All right, hello everyone. Welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Dear student, today I will discuss about the principle of inheritance and variation part 3, right? For the CUET exam point of view. बच्चे हम लोग इसमें पार्ट 3 में कौन सा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन एंड म्यूटेशन. और पार्ट 4 में हम लोग पेडिग्री एनालिसिस अलॉन्ग विद जेनेटिक डिसऑर्डर देखेंगे. ठीक है, तो अब हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं बच्चे? सेक्स डिटर्मिनेशन में सबसे पहले इसका ओवरव्यू देखेंगे कि आपके MCQs कहाँ से बनते हैं, कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छे से माइंड में आप रहना चाहिए. ठीक है, और फिर म्यूटेशन के कौन से पार्ट्स हैं जहाँ से पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन से क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, देखो सेक्स डिटर्मिनेशन में हमें कुछ सिंबल याद रखने हैं बर्ड के, है ना. बर्ड्स के सेक्स को हम लोग किन वर्ड से डिटरमाइन करते हैं? जैसे ह्यूमंस के लिए XX फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है. देखो बच्चे, जैसे फीमेल के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? XX यूज़ करते हैं, और मेल के लिए XY. तो इन सेक्स क्रोमोजोम से हम ह्यूमन का सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं. वैसे ही हम लोग XX किसके लिए? ग्रास ऑपर के फीमेल के लिए और ग्रास ऑपर के मेल के लिए X0 यूज़ करते हैं. वैसे ही हम लोग यहाँ पर बर्ड्स के फीमेल के लिए ZZ से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मेल है उसको हम ZW से रिप्रेजेंट करते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है, आपका वो CUET हो या आपका NEET हो. ठीक है, इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है. CUET का लेवल थोड़ा सा NEET के लेवल से ऊपर होता है, और इसमें क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल हाई रहता है. दूसरा, आप लोग देखोगे पॉइंट म्यूटेशन में. पॉइंट म्यूटेशन क्या होती है बच्चे? सडन इनहेरिटेबल चेंज होती है DNA सीक्वेंस में, विच रिजल्ट इन चेंज द जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स. कोई म्यूटेशन आ जाती है, जैसे हम लोग देख रहे थे बच्चे, जैसे पॉइंट म्यूटेशन होती है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है. तो पॉइंट म्यूटेशन का मतलब होता है कि जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है उसके 6 अमीनो एसिड पे जो वेलिन होता है ना, ग्लूटामिक एसिड जो है वो वेलिन में चेंज हो जाता है. तो कहने का मतलब है कि वहाँ पर एक पॉइंट म्यूटेशन हो जाती है जिससे सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ आ जाती है. तो पॉइंट म्यूटेशन का मतलब होता है वो कैसे भी हो सकती है, वो सडन इनहेरिटेबल एक चेंज होती है DNA सीक्वेंस के अंदर, जिसमें हमारे फिनोटिपिक और जीनोटिपिक, फिनोटाइप और जीनोटाइप, जीन लेवल पे और फिजिकल लेवल पे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आपको चेंज देखने को मिलती है. ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं. लीड टू वेरिएशंस इन DNA, और DNA की वेरिएशंस के लिए भी म्यूटेशंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारी इवोल्यूशन में भी म्यूटेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो हम लोग म्यूटेशन थ्योरी चैप्टर 6 में भी पढ़ते हैं. डन. अब इसके अंदर हम लोगों ने डिटेल में देखना होता है पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. तो पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है, हम इसको डिटेल डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट नोट्स, है ना. तो हम लोगों ने NCERT के शॉर्ट नोट्स लिए हैं इन्हीं पॉइंट्स को आगे डिस्कस करने के लिए, और कुछ क्वेश्चन भी वहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे. डन. तो चलते हैं हम लोग इनके नोट्स पे, इन दो कंपोनेंट को अच्छे से ब्रश अप करते हैं. एक सेक्स डिटर्मिनेशन और दूसरा म्यूटेशन. ये रहा बच्चे आपकी स्क्रीन पे सेक्स डिटर्मिनेशन. किसने डिस्कवर किया है सेक्स डिटर्मिनेशन? पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है. सेक्स डिटर्मिनेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनकिन, है ना. ट्रेस ऑफ यूनिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ इन फ्यू इंसेक्ट. He also discovered that the unique nuclear structure is only 50% of sperms are preferred to his X body. He could not understand its irrelevances. ठीक है, फिर उसके बाद आगे कहता है, later it was discovered at the ovum that receives sperm with an X body become females, while those that do not receive X body become males. Hence this X body is called sex chromosomes. Done. इस पॉइंट को आपने याद रखना है. एंड द अदर क्रोमोजोम्स वर कॉल्ड ऑटोसोम्स. तो एक्स बॉडी को हम लोग सेक्स क्रोमोजोम्स बोलते हैं, और जो अदर क्रोमोजोम्स हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स वाई को हम लोग एक्स वाई, और जिसके साथ एक्स होगा वो क्या होगा आपका? एक ऑटोसोम बॉडी कहलाएगी और एक आपका एलोसोम बॉडी कहलाती है. ठीक है, एक्स एक्स और एक्स वाई जो रहता है वो क्या है आपका? सेक्स क्रोमोजोम्स. और 44 नंबर जो रहते हैं पीछे वो क्या रहते हैं आपके? ऑटोसोम्स. ठीक है बच्चे, जैसे हम लोग बोल रहे हैं, जैसे हमारे पास क्या आता है, हमारे पास कितना रहता है? 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं, जिसमें 23 पेयर, ठीक है, और 23 पेयर डिप्लॉयड और हैप्लॉयड. इसमें क्या रहता है? 44 क्रोमोसोम जो रहते हैं 46 में से, वो क्या रहते हैं? ऑटोसोम रहते हैं. ठीक है, और 2 क्रोमोसोम्स जो रहते हैं वो क्या रहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स रहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स एक्स और एक्स वाई. ठीक है बच्चे, XX जो है ये फीमेल बॉडी है, और XY जो है ये मेल बॉडी.
ठीक है, ह्यूमंस की बात करते हैं, ठीक। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन, ह्यूमंस एंड अदर स्पीशीज एग्जिबिट एक्स वाई सेक्स डिटर्मिनेशन, वेयर एज सम इंसेक्ट सच एज ड्रोसोफिला एग्जिबिट एक्स जीरो सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। जैसे मेल में एक्स वाई डिटर्मिनेट किसको करता है, ह्यूमन के केस में एक्स वाई मेल को डिटर्मिनेट करता है, वेयर एज सेम इंसेक्ट के केस में, ड्रोसोफिला के केस में एक्स जीरो जो है वो मेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है बच्चे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल हेटेरोगेमिटी। मेल हेटेरोगेमिटी का मतलब होता है कि दोनों सेम नहीं है। फीमेल हेटेरोगेमिटी किस में देखने को मिलेगी आपको, जेड डब्ल्यू बर्ड्स में, फीमेल हेटेरोगेमिटी है ना। हेटेरो और होमोगेमिटी क्या होता है, एक्स एक्स होमोगेमिटी, एक्स वाई हेटेरोगेमिटी, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, ये देखना आपने, क्वीन वर्कर एंड अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप एज अ मेल ड्रोन बाय मींस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, दिस मींस दैट द मेल्स विल हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन दैट ऑफ फीमेल, ठीक है। द फीमेल्स हैव 32 क्रोमोसोम्स एंड मेल हैव हैप्लॉइड 16 क्रोमोसोम, दिस इज कॉल्ड हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। पेरेंट देखो, पेरेंट्स में क्या है, फीमेल में 32 और मेल में 16 है, जो चीज़ थ्री में लिखी है। इसमें क्या होगी, मियोसिस, इसमें होगी माइटोसिस। अगर इसमें इसमें भी मियोसिस होगी तो फिर तो 8 बचेगा, इसमें होगी माइटोसिस, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आगे गैमेट में पास करेंगे, इसमें मियोसिस होगी 32 का 16 16 हो जाएगा। तो आगे जो F1 जनरेशन मेल में 16 और फीमेल में कितने आ जाएंगे, 32 आ जाएंगे। समझ आए बच्चे बात, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग वाले केस में आप लोग देख सकते हैं बच्चे क्या है, मेल है ये एक्स वाई, एक्स वाई और फीमेल क्या है एक्स एक्स, ठीक। अब आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं, इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इन हनी बी द अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू, इन हनी बी अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू मेल ड्रोन, अनफर्टिलाइज्ड एग से बनने वाला कौन है, ड्रोन है। इन ह्यूमंस विच अमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूस हिट्रोगेमेट्स, ह्यूमन के केस में हिट्रोगेमेट्स आपको कौन दिखेगा, एक्स एक्स या एक्स वाई, तो आपको ऑब्वियस सी बात है मेल दिखेगा विच इज एक्स वाई, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है आपका, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर हम लोग लेटर वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हमें थोड़ा सा म्यूटेशन पे ध्यान देना है ना। जेनेटिक डिसऑर्डर और मेंडेलियन डिसऑर्डर हम लोग बाद में देखेंगे, पहले म्यूटेशन देख लो। म्यूटेशन एक फिनोमिना है डीएनए सीक्वेंस में जो चेंज लाता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, रिजल्ट इन द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप में चेंज दिखेगा। पॉइंट म्यूटेशन क्या है, आर दोज अकर इन द रिजल्ट ऑफ चेंज इन विच सिंगल बेस पेयर में चेंज आना। सिंगल बेस पेयर मैंने आपको क्या बताया था, जैसे हीमोग्लोबिन का एक स्ट्रक्चर है, इसके साथ चार पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, अल्फा अल्फा बीटा बीटा, ठीक है। तो इसके बीटा पे सिक्स माइनो एसिड पे ग्लूटामिक एसिड होगा और उस पर पॉइंट म्यूटेशन आएगी और वो किस में चेंज हो जाएगा, वेलिन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जब ग्लूटामिक एसिड किसी पॉइंट म्यूटेशन से वेलिन में चेंज होता है तो डिजीज़ होती है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं सिंगल बेस पेयर, न इस पे चेंज है न इस पे, ना है सिक्स माइनो एसिड पे चेंज, तो उसको पॉइंट म्यूटेशन बोला जाएगा। ये एग्जांपल है सच है सिकल सेल एनीमिया। पेडिग्री एनालिसिस जो है हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है कि पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है, ठीक है बेटा। थैंक यू।